इस कहानी की शुरुआत में हमें मेट्रो सिटी को दिखाया जाता है जो हवा में तैरती हुई काफी हाईटेक सिटी होती है। वहीं हमें डॉक्टर टेनमा को दिखाया जाता है जिसने मेट्रो सिटी को बनाया है और उन्होंने कई ऐसे रोबोट बनाए जो इंसानों का काम करते हैं। डॉक्टर टेनमा एक साइंटिस्ट है और वो मॉडर्न रोबोट्स के चीफ है। वहीं स्कूल में हमें टेनमा के बेटे टोबी को दिखाया जाता है। टोबी के स्कूल में टेस्ट होते हैं जिसे वो आसानी से पास कर लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं ओरिन जो की एक रोबोट है जो टोबी का केयर टेकर भी होता है, टोबी अपनी कार में बैठता है जहाँ टोबी के पिता उससे लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं। टेनमा टोबी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं ले जाने का वादा किया था लेकिन प्रेसिडेंट स्टोन ने मुझे पीस कीपर की जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी वजह से मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। टोबी अपने पिता से कहता है क्या मजाक कर रहे हैं। टेनमा कहते हैं कि मैं कभी मजाक नहीं करता और वो मीटिंग क्लोज कर देते हैं। टोबी ओरिन से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है। ओरिन टोबी को वहां जाने से मना है लेकिन टोबी ओरिन को फोर्स करके ले जाता है। वहीं हमें प्रेसिडेंट स्टोन और टेनमा को दिखाया जाता है। टेनमा स्टोन से कहते हैं कि डॉक्टर एल्फन मेरे फ्रेंड हैं और मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ, वो हमारे मकसद के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। स्टोन कहता है कि डॉक्टर एल्फन को मैं देख लूंगा। टोबी भी अपने पिता के पास चला जाता है और कहता है कि मैं वो डेमोस्ट्रेशन देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। स्टोन टोबी को अपने साथ आने के लिए कहता है। टोबी स्टोन से कहता है कि डी क्लास इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है और उसका यूज भी सभी जगह बंद कर दिया है। स्टोन टोबी की बातें सुनकर अपने रोबोट से उसे दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं। वहीं डॉक्टर एल्फेन सभी लोगों को ब्लू कोर एनर्जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि न्यूक्लियर से काफी ताकतवर और कंट्रोल बल है और इसका उपयोग सही से किया जाए तो इससे दुनिया को बदला जा सकता है। डॉक्टर एल्फेन कहते हैं कि ब्लू कोर एनर्जी के साथ उन्हें नेगेटिव रेड एनर्जी भी मिली है जो काफी खतरनाक है। स्टोन अपने रोबोट से रेड और ब्लू एनर्जी को ले जाने को कहते हैं। स्टोन एल्फन से कहता है कि मुझे एक बार फिर से चुनाव जीतने हैं और इस वजह से ब्लू कोर एनर्जी मुझे चाहिए जिससे मैं आर्मी को ताकतवर करूंगा और मैं फिर से चुनाव जीत सकता हूँ। वहीं रोबोट टोबी को कमरे में बंद कर देता है लेकिन टोबी रोबोट को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। वहीं टेनमा पीस कीपर रोबोट को शुरू करने को कहते हैं और पीस कीपर में ब्लू कोर एनर्जी लोड करने लगते हैं। स्टोन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और नेगेटिव एनर्जी को रोबोट में लोड कर देता है और कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने हैं इसीलिए रोबोट ताकतवर होना चाहिए। स्टोन रोबोट में नेगेटिव एनर्जी लोड करने के बाद उसे टेस्ट करने लगता है। टोबी भी डेमो स्टेशन पर आ जाता है। रोबोट काफी अच्छा काम करता है लेकिन अचानक रोबोट लोगों पर हमला करने लगता है जिसे रोकने के लिए टेनमा दरवाजे को लगा देते हैं लेकिन टोबी अंदर ही रह जाता है। टेनमा टोबी को निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और दरवाजे को तोड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करता है जिससे टोबी मर जाता है। डॉक्टर एल्फन रोबोट को रोकने के लिए ब्लू कोर एनर्जी का यूज करके रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टेनमा टोबी को याद करते हुए रोने लगते हैं और उन्हें टोबी की केप से एक बाल मिलता है जिससे वो एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जिसमें सारी खूबियां और याददाश्त टोबी की होती है। टेनमा डॉक्टर एल्फन से ब्लू कोर एनर्जी मंगवाते हैं और अपने रोबोट में डाल देते हैं जिससे वो काफी शक्तिशाली और हुबू टोबी जैसा बन जाता है। टेनमा रोबोट को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि टोबी एक रोबोट है और उसके अंदर सारी यादें और हरकतें टोबी की है जिससे टेनमा को लगता है कि उनका बेटा है। वहीं अगले दिन जब टोबी उठता है और अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं बीमार हो गया था, टेनमा उसे कहते हैं कि तुम बीमार नहीं हुए और उसे गले लगा लेते हैं। और इन जब टोबी को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसे टोबी रोबोट दिखाई देता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। टोबी के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊंगा और मेरा काम अब से तुम्हारे साथ रहना ही है क्योंकि टोबी मर चुका था। लेकिन टेनमा टोबी की यादों के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। टोबी ये बात सुनकर खुश होता है। टेनमा टोबी को पढ़ाने लगते हैं और उसे कुछ क्वेश्चन हल करने को देते हैं। टोबी सारे आंसर जल्दी से देता है और सवालों को रोबोट बनाकर नचाने लगता है। टेनमा टोबी पर गुस्सा होते हैं और उसे कुछ किताबें लाकर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें पढ़ने की कोशिश करो और वहाँ से चले जाते हैं। टोबी किताबों को देखता है और उनके पेज फाड़कर खिलौने बनाकर और इनके साथ खेलने लगता है। टेनमा रूम में आते हैं और टोबी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दी थी और तुमने इन्हें फाड़ दिया। और इन कहता है कि टोबी को ऐसा करने को मैंने कहा था और इन ने टोबी की केप लगा रखी थी। टेनमा और इनसे कहते हैं कि एक रोबोट को मेरे बेटे की केप नहीं लगानी चाहिए और वो काफी उदास होते हैं और टोबी को अपने कमरे में भेज देते
देते हैं। टेनमा डॉक्टर एल्फन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने टोबी जैसे रोबोट को बनाकर गलती की है, ये थोड़ा अजीब है और मैं जब भी इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है क्योंकि टोबी वापस नहीं आने वाला और ये मुझे बार बार उसकी याद दिलाता है। वहीं टोबी अपने कमरे में होता है और उसे शीशे साफ करने वाले दो रोबोट की बातें सुनाई देती है। टोबी रोबोट के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे सुन सकता हूँ क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। रोबोट टोबी से डरते हैं और पीछे जाते हैं जिसकी वजह से टोबी खिड़की से नीचे गिर जाता है, लेकिन टोबी में ब्लू कोर की पावर होती है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। टोबी को उड़ना नहीं आता और वो इधर उधर टकराने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद टोबी उड़ना सीख जाता है और पहाड़ों के अंदर से निकलता है। टोबी अपनी पावर के बारे में अपने डैड को बताने जाता है। वहीं जनरल हेकलर स्टोन को बताता है कि कोई अनजान चीज हवा में उड़ रही है। रोबोट कहता है कि वो ब्लू कोर एनर्जी है। स्टोन ब्लू कोर एनर्जी की लोकेशन ट्रेस करके एनर्जी को लाने को कहते हैं। वहीं टेनमा डॉक्टर एल्फन से कहते हैं कि टोबी को डीएक्टिवेट कर दो। टोबी टेनमा और डॉक्टर एल्फन की बातें सुन लेता है। डॉक्टर एल्फन टोबी से कहते हैं कि तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो। टोबी कहता है कि मुझे पता है और अपने डैड से कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ। टेनमा टोबी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम एक रोबोट हो जिसकी मुझे जरूरत नहीं। टोबी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टोबी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। स्टोन के रोबोट टोबी के पास आते हैं। स्टोन देखता है कि टेनमा का बेटा टोबी है और उसे पकड़ने को कहता है। टोबी वहाँ से उड़ जाता है। सभी रोबोट टोबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। रोबोट टोबी को पकड़ने के लिए कई निशाने लगाते हैं, लेकिन टोबी इतना फास्ट होता है कि उनसे बच जाता है। वहीं कुछ रोबोट टोबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन टोबी सभी रोबोट्स को एक बिल्डिंग के बीच में फंसा देता है और वो बच जाता है। स्टोन जनरल से स्पीड ऑफ फ्रीडम रोबोट को भेजने को कहता है। वहीं सभी रोबोट टोबी से डर कर भागने लगते हैं। तभी वहाँ स्पीड ऑफ फ्रीडम रोबोट आ जाता है। स्टोन रोबोट को टोबी पर हमला करने को कहते हैं। स्पीड ऑफ फ्रीडम के हमले से टोबी मेट्रो सिटी से नीचे गिर जाता है। स्टोन टोबी को पकड़ने के लिए सिटी में इमरजेंसी लागू कर देता है और सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है ताकि टोबी जल्दी से पकड़ा जाए। वहीं टोबी जमीन पर टूटे रोबोट के कबाड़े में पड़ा होता है। सभी रोबोट भूत की तरह टोबी के पीछे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से टोबी नीचे गिर जाता है। टोबी के पास एक रोबोटिक कुत्ता आता है जिसका नाम ट्रेशकेन होता है। ट्रेशकेन टोबी को अपने साथ ले जाता है और एक गड्ढे में धक्का दे देता है। टोबी गड्ढे में लगे जाल में फंस जाता है और उसे कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं। टोबी को देखकर सभी कहते हैं कि यह कोई रोबोट नहीं, एक बच्चा है। टोबी सभी बच्चों से कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं मेट्रो सिटी से आया हूँ। ये सुनकर कोरा नाम की एक लड़की काफी खुश होती है क्योंकि टोबी मेट्रो सिटी से आया था और कोरा को मेट्रो सिटी काफी पसंद थी। जेन नाम का एक लड़का टोबी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। टोबी कहता है कि मैं किसी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। सभी बच्चे टोबी को अपना नाम बताते हैं। तभी तीन रोबोट स्पार्क्स, फ्रीज और रोबोट्स की टोबी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और टोबी से कहते हैं कि तुम अब आजाद हो। स्पार्क्स रोबोट से उसका नाम पूछता है तो अपना नाम टोबी बताता है। स्पार्क्स के साथी को टोबी नाम पसंद नहीं आता और उसका नाम एस्ट्रो रखते हैं। टोबी को भी एस्ट्रो नाम अच्छा लगता है। स्पार्क्स टोबी को अपना एक प्लान बताता है। स्पार्क्स एस्ट्रो को एक नाम के एक आदमी का फोटो बताता है और कहता है कि इसने हमारे कई साथियों को अपना गुलाम बना रखा है। कोरा और उसके साथी एस्ट्रो के पास आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। कोरा एस्ट्रो से उसका नाम पूछती है। एस्ट्रो कहता है कि मेरा नाम टोबी है पर मेरा असली नाम एस्ट्रो है। वहीं स्टोन डॉक्टर एल्फन को गिरफ्तार कर लेता है और टेनमा के रोबोट बेटे के बारे में पूछता है। स्टोन कहता है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और मुझे चुनाव जीतने के लिए ब्लू कोर चाहिए। टेनमा स्टोन से कहते हैं कि तुम रोबोट को ढूंढ लो, मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें ब्लू कोर दे दूंगा। वहीं कोरा एस्ट्रो को लेकर अपने घर पहुंचती है जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक सभी बच्चों से कहता है कि तुम मेरे लिए रोबोट का सर लाए हो या नहीं। तभी एस्ट्रो एक रोबोट के हाथ लगाता है और वो फूट जाता है। एस्ट्रो उसे जल्दी से अपने हाथों में पकड़ लेता है। एक ये देखकर काफी खुश होता है। जेन एक से कहता है कि मेट्रो सिटी से आया है। एक एस्ट्रो से कहता है कि मैं पहले मेट्रो सिटी में काम करता था लेकिन मुझे टूटे रोबोट सही करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। एक सभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता है जो कि 2-3 दिन पुराना होता है। सभी बच्चे मजाक मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। एक एस्ट्रो के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में टेनमा के साथ काम करता था लेकिन मेरे काम की वजह से वो लोग मुझसे जलते थे और उन्होंने मुझे सिटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ क्योंकि इस फैमिली में एक अच्छे बच्चे की जरूरत थी। वहीं अगले दिन ट्रेश के नेस्टो को परेशान
करता है क्योंकि ट्रेशकेन को पता है कि एस्ट्रो भी एक रोबोट है, लेकिन एस्ट्रो सभी से सच छुपा रहा है। ट्रेशकेन जेन को जमीन पर लिखकर बताता है कि एस्ट्रो एक रोबोट है, लेकिन जेन को पढ़ना नहीं आता। एस्ट्रो को एक पुराना रोबोट दिखता है जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताता है। कोरा एस्ट्रो से कहती है कि यह काफी पुराना रोबोट है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसे नहीं ले जा सकते। एस्ट्रो रोबोट के अंदर जाता है और देखता है कि रोबोट का नाम जोग है। एस्ट्रो जोग को अपनी पावर से देखता है और उसे ठीक कर देता है। वहीं एक अपने एक रोबोट को फाइट करना सिखाता है। एस्ट्रो जोग को एक के पास लेकर आता है। एक एस्ट्रो से कहता है कि तुमने इसे चालू कैसे किया। एस्ट्रो कहता है कि मैंने बस इसे लात मारी और ये चालू हो गया। एस्ट्रो और उसके साथी मिलकर जोग को साफ करते हैं और उसे पेंट करके नया बनाते हैं। वहीं कोरा फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता और एस्ट्रो से कहती है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे। एस्ट्रो मोबाइल को ठीक करता है। कोरा एस्ट्रो से कहती है कि मेरे मॉम डैड जिंदा है और मैं मेट्रो सिटी से हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। एस्ट्रो कहता है कि मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और वो कोरा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता और बात को टाल देता है। वहीं अगले दिन एक जोक को रोबोट गेम में ले जाता है। एस्ट्रो कोरा से पूछता है कि रोबोट गेम क्या है। कोरा कहती है कि रोबोट्स की लड़ाई। जोक को देखकर सभी रोबोट डरते हैं क्योंकि जोक काफी बड़ा रोबोट होता है। एक सभी बच्चों से कहते हैं कि बहुत से रोबोट काफी एडवांस होते हैं, वो बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, और वो एस्ट्रो को करंट लगा देता है और सभी से कहता है कि एक रोबोट है। एक सभी लोगों से कहता है कि एस्ट्रो बॉय नाम का ये रोबोट मेट्रो सिटी से है और आज हम इसकी ताकत देखेंगे, और एस्ट्रो के सामने खतरनाक रोबोट को छोड़ देता है। एस्ट्रो रोबोट से नहीं लड़ता, लेकिन रोबोट एस्ट्रो पर हमला कर देता है, इसीलिए एस्ट्रो से खत्म कर देता है। एक एस्ट्रो से लड़ने के लिए एक और छोटे रोबोट को भेजता है, लेकिन एस्ट्रो से भी मार देता है। तभी एस्ट्रो पर बहुत सारे रोबोट हमला कर देते हैं। एस्ट्रो सभी रोबोट को मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। एक एस्ट्रो से जीतने के लिए जोग को लाता है, लेकिन एस्ट्रो जोग से नहीं लड़ता और जोग भी एस्ट्रो से नहीं लड़ता। जब रोबोट आपस में नहीं लड़ते तो एक एस्ट्रो को शॉक देता है। जोग ये देखकर एक को कुचलने लगता है, लेकिन एस्ट्रो आकर उसे रोक लेता है। वहीं स्टोन भी आ जाता है और एस्ट्रो को पकड़ लेते हैं। स्टोन एस्ट्रो को डॉक्टर एल्फन के पास लाता है। टेनमा एस्ट्रो को सुला देते हैं और उसमें से ब्लू कोर निकाल लेते हैं और स्टोन को दे देते हैं, लेकिन टेनमा स्टोन से ब्लू कोर फिर से ले लेते हैं और कोर को ले जाकर एस्ट्रो को फिर से ठीक कर देता है। टेनमा एस्ट्रो से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे टोबी तो नहीं, लेकिन मेरे बेटे जैसे हो, और उसे वहाँ से भागने को कहते हैं। स्टोन डॉक्टर एल्फन और टेनमा को गिरफ्तार कर लेता है और एक साइंटिस्ट से रेड कोर एनर्जी को पीस कीपर में डालकर चालू करने को कहता है, लेकिन कोई भी पीस कीपर को ऑन नहीं करता। स्टोन खुद रेड कोर एनर्जी रोबोट के अंदर लोड कर देता है और रोबोट को एस्ट्रो बॉय को मारकर ब्लू कोर एनर्जी लाने को कहता है, लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता और स्टोन को खा लेता है और बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है। रेड कोर रोबोट को रोकने के लिए आर्मी के रोबोट्स आते हैं। वहीं एस्ट्रो बॉय को धमाकों की आवाज आती है और वो मेट्रो सिटी में जाता है। एस्ट्रो बॉय पर रेड कोर रोबोट हमला कर देता है। वहीं कोरा और उसके साथी मेट्रो सिटी को देख रहे होते हैं। कोरा काफी उदास होती है क्योंकि वो एस्ट्रो से प्यार करने लगी थी। एक वहाँ से कार लेकर भागने लगता है, लेकिन जोग उसे पकड़ लेता है और गाड़ी कोरा और उसके साथी लेकर भाग जाते हैं। वहीं एस्ट्रो रेड कोर पर हमला करता है। रेड कोर बिल्डिंगों को तोड़ने लगता है और एस्ट्रो को पकड़ लेता है, लेकिन एस्ट्रो अपने पीछे लगी मशीन गन से रेड कोर से बच जाता है। रेड कोर एस्ट्रो को जोर से मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। कोरा और उसके साथी आकर एस्ट्रो को बचा लेते हैं। रेड कोर एस्ट्रो की कार का पीछा करता है। रेड कोर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेट्रो सिटी की टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देती है और मेट्रो सिटी नीचे गिरने लगती है। एस्ट्रो मेट्रो सिटी को बचाने के लिए उसे अपने सर पर उठा लेता है और जमीन पर रख देता है। रेड कोर फिर से खड़ा होता है और एस्ट्रो को पकड़कर रेड कोर के पास ले जाता है, जिससे खतरनाक एनर्जी निकलती है और एस्ट्रो काफी दूर जाकर गिर जाता है। टेनमा एस्ट्रो के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर रेड और ब्लू एनर्जी मिल जाए तो दोनों रोबोट्स खत्म हो जाएंगे। एस्ट्रो रेड कोर को खत्म करने के लिए ब्लू एनर्जी को रेड की एनर्जी में जाकर मिला देता है, जिससे खतरनाक ऊर्जा निकलती है और रेड कोर ब्लास्ट हो जाता है। टेनमा देखकर काफी उदास होते हैं क्योंकि एस्ट्रो भी खत्म हो जाता है। वहीं स्टोन रोबोट के ब्लास्ट से बच जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं कोरा और सभी लोग एस्ट्रो के पास जाते हैं। डॉक्टर एल्फन बताते हैं कि एस्ट्रो सबसे अच्छा रोबोट था जो अब नहीं रहा। जोग वहाँ आता है। जोग भी ब्लू कोर एनर्जी से बना था, जिसकी वजह से वो एस्ट्रो में फिर से ब्लू एनर्जी डाल देता है। एस्ट्रो
एस्ट्रा एनर्जी वापस मिलने से ऑन हो जाता है और जोक से गले लगता है। एल्फा ने एस्ट्रा से कहते हैं कि तुम जो जगह ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे लिए सभी लोगों के दिल में है। कोरा को भी अपने मॉम डैड मिल जाते हैं और वो काफी खुश होती है। वही ओरिन को टेनमा छुट्टी देते हैं और उसे कहीं घूमने जाने को कहते हैं। वही एलियन मेट्रो सिटी पर हमला कर देते हैं। एस्ट्रा एलियन को मारने जाता है। टेनमा एस्ट्रा से कहते हैं कि क्या तुम इनसे लड़ने के लिए तैयार हो। एस्ट्रा कहता है कि मैं बना ही इसीलिए हूँ और वो एलियन की एक मुक्का मारता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।